अस्सलाम वालेकुम। ये मैं सूप बना रहा हूँ, क्विकर सूप। इसके के लिए हम लोग को प्याज लेना है और चिकन क्विकर सूप बना रहा हूँ। इसमें चिकन क्यू करके लिया हूँ और एक लेमन काटा हूँ दो हिस्सा। हम लोग को लेमन का देने का ज़रूरत नहीं है, ड्राई लेमन देगा तो और टेस्ट होता है, लेकिन सब घर में ड्राई लेमन नहीं रहता है, इसलिए मैं ये लेमन दिया आसान के लिए। और ये लहसुन है और लहसुन डालेंगे और ऊपर से धनिया पत्ता डालेंगे और ये है क्विकर और उसमें टमाटो पेस्ट ये जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तेल डालें, ज़्यादा नहीं है, दो तीन चम्मच तेल डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालेगा तो ज़्यादा ऑयल दिखा दे, इसलिए कम डालना। पहले हम लोग लहसुन, ऑयल गर्म हो गया, लहसुन डालूं। लहसुन एक स्पून डालूं, एक डेढ़ स्पून दे सकता है। डेढ़ स्पून लहसुन दिया है, ज़्यादा गोल्डन कलर, थोड़ा गोल्डन कलर आएगा उसमें प्याज डाल रहा। प्याज डाल के थोड़ा मिक्स करना। इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये ज़्यादा इस हिसाब से रखना है।
ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये रखना। और इसमें हम लोग टमाटो पेस्ट देंगे, डेढ़ चम्मच टमाटो पेस्ट, ठीक है, 1.5 चम्मच टमाटो पेस्ट डाला। टमाटर पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करना है, फ्राई इसलिए करना है थोड़ा इसका स्मेल जाएगा टमाटर पेस्ट का, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ा फ्राई किया मैं, थोड़ा फ्राई किया, ये देखो, ये थोड़ा सा फ्राई किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसमें थोड़ा पानी देना है, हमको इसमें पानी देना है। इसमें थोड़ा हम लोग को पानी दिया गया और इसमें हमको चिकन डाल देना है। चिकन डाल देने से इसलिए डालता हूँ, कच्चा चिकन है, इसका फ्लावर भी आएगा, इसका स्मेल भी आएगा और ये जल्द उसके साथ मिक्स हो जाएगा। वो मिक्स हो जाएगा इसलिए उसको डाल दिया। ये बॉयल होने के बाद हम लोग को क्विकर डालना है, ठीक है। अभी पानी गर्म हो गया, कोई कर डाल दो।
पानी गर्म हो गया, क्विकर डाला और बाद में उसको फिर आप खास में थोड़ा पुश कर रखो, बाद में चालू करेगा।